तीन तरीके के होते हैं, जबकि पहला परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं। हाँ बोलो, उल्टा बैठ जाओ, उल्टा पढ़ना। परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव टिश्यू। कौन कौन से होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू, ओके। नाउ देखिए, एक दो ऐसे लिखो, वन इज सिंपल परमानेंट एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट। एंड सिंपल परमानेंट इसके बाद देखेंगे, वो दो तरीके होंगे। What does it mean by meristematic के बारे में क्या हम लोगों ने देख लिया है? Yes. So meristematic में तीन तरीके के हैं। एक तो apical है जो apex में पाया जाता है, एक intercalary है जो node में पाया जाता है, और एक lateral है। तो lateral कहाँ पर पाया जाता है? Cambia में पाया जाएगा, pitch में पाया जाएगा, जो उसकी girth को बढ़ाएगा ना। और ये found एट नोड, ये नोड में पाया जाएगा, एट टिप ऑफ रूट एंड शूट, जबकि ये कहां पाया जाएगा? एट कैंबियम। कैंबियम निकल कहां पर होता होगा बताओ? कल डायग्राम बनाया था, याद होगा तो बता दे। जाओ बोलो के बीच में। सेपरेट है। ओके, समझ आई बात कि नहीं? कैम्बियम भी बनाया था, फ्लोएम और उसके बीच का हिस्सा जो ब्लैक कलर का बनाया। कैम्बियम भी दो टाइप के होते हैं, वो अब हम आगे देखेंगे। कैम्बियम वहाँ यूनिक है, उसकी गर्थ बढ़ाया गया। अब देखो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। नेंट टिश्यू, दीज टिश्यू डू नॉट डिवाइड, ठीक है, एंड डिवीजन ऑफ वर्क टेक्स प्लेस। दीज टिश्यू डू नॉट डिवाइड, ध्यान दो। अब देखो, हाँ अदिति आपके लिए क्वेश्चन, एपिकल इंटरकैलरी और लेटरल, ये जो सेल्स हैं ये दिखने में इनमें डिफरेंस क्या है? मतलब उनके शेप और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? करेक्ट, ये सही बता रही। ध्यान से सुनो, अदिति ने बताया मेरिस्टमेटिक टिश्यू में सेल डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, बस उसकी लोकेशन के आधार पर इनका डिवीजन किया गया है। क्या बताया बताओ? लेकिन इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ, चाहे वो स्लेरेन्काइमा हो, पैरेन्काइमा हो या कोलेन्काइमा, इनमें सेल में डिफरेंस होता है। इनमें सेल में क्या सभी सेल दिखने में एक जैसे होते हैं? हाँ, समझ में आ गया कि नहीं? सभी बच्चे सुंदर हैं, चाहे वो अमीर के हों या गरीब के। तो ये सब दीज आर अभी बेबीज हैं, क्योंकि इनको ग्रोथ करनी है, सेल डिवीजन करना, इन्होंने अभी कोई टास्क तो लिया नहीं है। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू की कुछ बातें बताओ, क्या होती बताई है? तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू में क्या होगा? दैट इज सेल वॉल इज आइदर एब्सेंट और पुअरली डेवलप। सेल से डिवाइड हो रहा तो सेल वॉल में कुछ अभी बन पाएगा क्या? बोलो। हाँ ठीक, ना अब देखो, तो क्या बताया? दीज आर फास्ट ग्रोइंग टिश्यू। ये कैसे हैं? कल आपने लिखा है, उसी में कुछ कमी हो तो लिख लेना। फास्ट ग्रोइंग टिश्यू, सेल डिफरेंशिएशन डज नॉट टेक प्लेस। निश्चय इसका मतलब बताओ। सेल डिफरेंशिएशन होता है
डिफरेंट ही नहीं होती, सब एक जैसे ही लगेंगे, सब ओवल शेप में होंगे, सबका कैसा स्ट्रक्चर होगा, सब ऐसे होंगे, चाहे यहाँ के हो चाहे यहाँ के हो, सबके सर कैसे होंगे, समझ आई? बस लोकेशन के आधार पर डिफरेंस, हाउएवर दीज कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन बेस ऑफ देयर लोकेशन, ओके? एक और इन्होंने भी पॉइंट बताया कि दीज आर डिवाइडिंग फास्टली, नई बात है, क्या बताया, दीज सेल डिवाइड फास्टर एंड, और एक क्या बात बताया, डिवीजन ऑफ लेबर भी कुछ नहीं है, इनको कोई काम दिया जाएगा, बच्चों को कोई काम दिया जाता है क्या? सो डिवीजन ऑफ लेबर डज नॉट टेक प्लेस एंड दीज आर, ये जो डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, हम अन्य सेंटेंस पूरा करो, डिवाइडेड into three types on basis of, किस आधार पर बताओ सर, वहाँ categorized होगा सर, लोकेशन किसके आधार पर, लोकेशन या उनकी पोजिशन क्या उसके आधार पर है, सेलुलोज जो सेल वॉल है आइदर एबसेंट और पुअरली डेवलप, बहुत पतली सेल वॉल हो, समझ में आई बात की नहीं, तुम ये देख लो पुरानी लौकी हो उसको तुम ऐसे ऐसे करो तो टूट जाएगी और नए सेल को कैसे मुड़ जाते हैं, जो जिस चीज में सेल वॉल होती है वो अगर सेल वॉल है, सेल वॉल को ककड़ी को तोड़ो क्यूम्बर को खट, और जिसमें सेल वॉल नहीं है देख लो कुछ टूट रहा है मतलब पूरा मुड़ गया, तो ह्यूमन बॉडी में सेल वॉल है, तो जिसमें सेल वॉल होगी टक, फिर भी तुम एपेक्स में देखो, एपेक्स में अगर उसकी डंठल मोड़ दो तो क्या टूटती है, नहीं टूटती, इतनी सॉफ्ट है, तो इससे क्या पता चलता है, उनमें या तो सेल वॉल एब्सेंट है या पुअरली डेवलप है, हम लोगों में सेल वॉल कैसी है शानवी बताओ, बोलो प्रेजेंट ही नहीं, तभी तो फ्लेक्सिबल है बॉडी की नहीं, और लेकिन प्लांट्स टूट जाते हैं, फिर भी जो नए पार्ट है वो नहीं टूटते ना, तो इसलिए क्या दिखा जाए बोलो, सेल वॉल, सेल वॉल होती कहाँ है, ये देखो स्नेहा इनके बीच में सेल वॉल होगी, ठीक है, लेकिन वो इतनी पतली होगी सर, हाँ सर, लेकिन हमारी बोन तो ब्रेक होती है तो उनके अंदर से सेल वॉल होगा, हम लोग के बॉडी में कहीं कोई सेल वॉल नहीं, सर तो बोन ब्रेक होती है, हाँ बोन ऑस्टियो सेल है, अभी मैं हम लोग उसी को तो पढ़ेंगे इसी चक्कर में, बोन एक मैट्रिक्स है बट उसमें सेल वॉल जैसा कुछ नहीं, ठीक है, तो इसमें सेल वॉल क्या होगा बताइए, इज आइदर एब्सेंट और अदरवाइज इट इज वेरी थिन, ये कैसी होगी, जब तक सेल वॉल बनेगी तब तक फिर डिवाइड हो जाता है, सही बात है कि नहीं, सो सेल वॉल इज वेरी थिन, ऐसा इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि इनके और इनके बीच में 10 डिफरेंस लिखाने हैं, तो मैंने इसे बता दिया 6-7 तो यही हो गए, अब इसके कंट्रास्ट में इसको देखो परमानेंट सेल को पता चल जाए, सही, तो अब जरा देखो दीज टिश्यू सर, न्यूक्लियस और आपने साइटोप्लाज्म वैक्यूल का तो बताया, वो बताया नहीं तो उसके बारे में भी बता देंगे, धीरे धीरे बता देंगे, थोड़ी बहुत जो जानकारी इसके आधार पर है वो तो लिख दी, और जो आप लोगों ने बताई है वही हमने लिखी है, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी लिखा नहीं, अभी और भी डिफरेंस है, नाउ दीज टिश्यू डू नॉट डिवाइड, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, इनमें और ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, चलो इसके अलावा जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनमें क्या डिवीजन ऑफ लेबर होता होगा, काम का बंटवारा होता होगा, क्या सेल डिफरेंशिएशन अर्पित होता होगा, होता होगा, उसमें नहीं होता लेकिन उसमें होता, तो सेल अलग अलग होंगे, ठीक है, सो सेल डिफरेंशिएशन, टेक्स प्लेस, अब जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं परमानेंट सेल में दिखाऊंगा कि कुछ सेल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, इनकी तो यहाँ बात ही नहीं की थी, सभी ओवल थे, अब इनका आकार प्रकार बदल जाएगा, जैसे हमारी बॉडी में ऑप्टिक नर्व, नर्व सेल अलग थी, पहले चैप्टर में तुमने नहीं पढ़ा था सेल वाले में, ओवा सेल अलग थी, स्पर्म अलग थी, तो कहीं मसल सेल अलग थी,
अलग अलग सेल थी, 9 तरीके की सेल पड़ी थी। ये सब तो सेल डिफरेंशिएशन ही है, सेल का डिफरेंट स्ट्रक्चर होना ये सेल डिफरेंशिएशन है, काम का बंटवारा हो जाना डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर अलग चीज है, तो सेल डिफरेंशिएशन के बेसिस पर ही डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अलग अलग सेल को क्या अलग अलग काम दिए जाते हैं, तो इसलिए क्या बताइए सेल डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस। तो उनकी अब हम चर्चा करेंगे, फंक्शन के हिसाब से उनका शेप होता है, उनके फंक्शन ऐसा भी कह सकते हैं कि फंक्शन जो वो कर रहे हैं उसी के बेसिस पर उनका शेप होता है। तो सेल डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस एंड ऑल्सो जैसा उन्होंने बताया कि उसी के आधार पर एंड डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस, अलग अलग तरीके की सेल अलग अलग काम करती है। डिवीजन ऑफ लेबर takes place। और अनुष्का तुमने क्या बताया ना सेल वॉल के बारे में, मतलब अच्छी तरीके से डेवलप होती होगी है ना, सेल वॉल होती है डेवलप है। कितनी बात हो गई और भी इसके बारे में बताएंगे। तो परमानेंट टिश्यू दो तरीके के हैं, इनके टाइप्स देखो। व्योम सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब बताओ, सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब जिनका फंक्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता होगा, जो सिंपल काम करते होंगे। टू द पॉइंट, ये सिर्फ जस्टिन बता सकते हैं। हाँ बोलो। सिंपल परमानेंट टिश्यू चलो ठीक है, अब बताते हैं दो तरीके के। देखो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है और दूसरी कौन सी बताइए ना, दोस परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का ये ज्यादा अच्छा होगा, देखो उन्होंने वही क्लियर कर दिया। बोले ऐसी परमानेंट टिश्यू जो एक ही टाइप के सेल की बनी हो वो सिंपल परमानेंट है, और जिसमें तीन चार तरीके के सेल मिलके एक काम करें, हलवाई भी चाहिए, कद्दू छीलने वाला भी चाहिए, तो कोई मिठाई तब जाके बनाकर खाना बनता है, तीन चार तरीके मिलते हैं। जाइलम टिश्यू की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जाइलम ट्रैकियोइड, जाइलम पैरेन्काइमा, और इसी तरह जाइलम फाइबर, तो ना जाने कौन कौन से चाहिए। दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स, दिस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, तब जाके टिश्यू बने। काम एक ही करें लेकिन कई अलग अलग सेल मिलके एक काम करें। तो दिस सिंपल वाला कौन सा होगा बताओ, दिस कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल। बात नहीं करो जल्दी कुछ, अब ये इसका बताओ क्या बताए, लेयर कहाँ पे सुन नहीं रहे, it is type, it consists of, this consists of many kind of cells। चलो जो सिंपल है और दूसरा बताया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दो तरीके के टिश्यू। अब देखो निखिल जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं इनके भी फर्दर दो निकल जाएंगे, देखो जो कॉम्प्लेक्स है उनका तो मैं बता दे रहा हूँ जिससे तुमको थोड़ा हिंट मिल जाए, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गए ठीक है। नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू के दो टाइप बताओ, कोई इसमें बता सकता है बताओ सर, शूट के शूट और ये ज्यादा अच्छा बताना, आप भी बोलो। इन्होंने बोला अगर शूट वूट में पाई जाएगी, व्योम ने बहुत अच्छा बताया, तो वो मेरिस्टमेटिक होगी सर, उसको इसमें ना लाए, बहुत बड़ी बात है, ये तो बच्चे कहाँ बताते हैं जाएंगे, बोले शूट वूट वाले इसमें ना लाए, शूट वूट में पाई जाएगी तो क्या होगी, वो न्यू सेल्स होंगी। अच्छा परमानेंट पेड़ के कहीं ठीक बीच में और कहीं होंगी सर, एक जर्म सेल होगी, जर्म सेल्स होगी। यस सिंपल परमानेंट टिश्यू दो तरीके की है, या तो सपोर्टिव या प्रोटेक्टिव, कौन कौन सी,
सपोर्टिव और दूसरा प्रोटेक्टिव. सो लेट अस राइट डाउन द टू टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट एग्जांपल्स. अब एग्जांपल्स के आगे बताएंगे. मुझे पूछना चाहिए टाइम देखो. हाँ देट इज डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स सेल डिफ्रेंशिएशन. सेल अलग अलग अंतर की होती हैं. कोई अलग कोई ओवल होगी तो कोई हेक्सागोनल होगी. डिफ्रेंशिएशन है ना, मतलब कोशिकाओं के स्वरूप आकार प्रकार में अंतर पाया जाता है. ठीक है, अब हम कौन सा देखने जा रहे हैं बोलो. जिसका सिंपल परमानेंट के दो टाइप. ओके सो देखिए ए सिंपल परमानेंट टिश्यू. दीज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स. इनमें एक ही तरीके की सेल्स होती हैं और इट हैज थ्री टाइप्स. ए पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा इसके तीन टाइप है. देखो मानसी पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा. ठीक, कौन कौन से तीन टाइप बताएं. पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. तीन चीज बताइए ध्यान से सुनो. अभी उसने क्या बताया ना, बोला पैरेन्काइमा इट फिल द स्पेस. जो तुम खाती हो आम वो पैरेन्काइमा है. पल आलू गोभी जो भी चीज पोषण खाती हो बीच बीच का वो सब क्या है पैरेन्काइमा. या कोई पैडी लीफ है तो गद्देदार लीफ में जो अंदर का हिस्सा है वो क्या है पैरेन्काइमा. समझ आया. तो कहीं पर भी ये पैरेन्काइमा वो क्या करेगी बताइए. इट फिल द स्पेस या मोटी पत्ती. और ये पिटियोल है. पिटियोल का क्या मतलब है डंठल. तो जो थोड़ा हार्ड पोर्शन है वहाँ कोलेन्काइमा और जो बिल्कुल ही लकड़ी हो जैसे बार लकड़ी देखा है टिम्बर पेड़ में स्टेम में वो स्क्लेरेन्काइमा. या नारियल, नारियल का जूट देखा डेड सेल है बिल्कुल. नारियल का जो ऊपर का खोल या कवर या सीड देख लो सीड की कोट वो स्क्लेरेन्काइमा. वो कभी खराब नहीं होगी. डेंटल सड़ सकती है लेकिन स्क्लेरेन्काइमा कभी सड़ेगा क्या. लकड़ी कभी सड़ेगी तो समझ में आई बात. जिसने फ्लैश बनाया जैसे पल्प है किसी भी प्लांट पर ऐसी चीज होती है जो गूदेदार होती पल्प होगी वो सब क्या है पैरेन्काइमा. और जो थोड़ा सा उसको क्या इलास्टिसिटी दे जैसे पत्ती ऐसे ऐसे हो जाए तो फिर अपनी जगह ले आए डेंटल. इलास्टिसिटी दे एक फिल द स्पेस करे एक इलास्टिसिटी दे और एक क्या करे उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे दे. कोई लाठी मारे तने पर तो उसको स्ट्रेंथ देता है कि नहीं. वो कौन है स्क्लेरेन्काइमा. समझ आ गए. कोलेन्काइमा उसको इलास्टिसिटी देगा. पत्तियां मुड़ती रहेंगी फिर अपनी जगह आएंगी. तो इफ इट इज आप ब्रांच नीचे करते हो तो ब्रांच ऊपर चली जाती है कि नहीं. तो वो उसे कौन इलास्टिक बनाता है. अभी इनके बारे में हम 8-10 चीजें पढ़ेंगे लेकिन बेसिक चीज आपको बताना. तो पहला है पैरेन्काइमा. इट फिल्स द स्पेस. ये क्या करेगा बचाता कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. ये सपोर्ट कर रहे हैं. ये सब क्या कर रहे हैं बताओ. प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं. जो प्रोटेक्टिव है वो लीफ के ऊपर की एपिडर्मिस है वही प्रोटेक्टिव है. हमने बता दो ना वेसिकुलिकल के नीचे वाली वो प्रोटेक्टिव है. समझ आ गया. अब जरा प्रोटेक्टिव में कॉर्क आएगा और एपिडर्मिस दो आएंगे ग्लूकोलस होगा. तो क्या बताया बोलो पैरेन्काइमा में. इट फिल्स द जैसे पल्प ऑफ फ्रूट. ओके तो पल्प ऑफ फ्रूट या फैटी लीव्स. हाँ ये बताओ अभी डिटेल बताएंगे. अभी तो फ्लो चार्ट तैयार करवा रहे हैं सबके बारे में बताएंगे. नाउ सेकंड क्या बताया कोलेन्काइमा.
है, तो ये फिल करता है, इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू प्लांट, है बताए, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा, इट गिव्स इलास्टिसिटी टू प्लांट्स, जैसे डेंटल करती हैं, या और भी, जब तुम आम खाते हो तो आम का पल्प ज्यादा वो सॉफ्ट है कि उसका कवर, तो वो जो कवर है वो कॉलेंटाइन है, ये एक बिल्कुल हार्ड है वो स्क्लेरेंटाइन है, बिल्कुल सॉफ्ट है तो वो पेरेंटाइन, लेकिन जो बीच का हुआ वो पल्प, हाँ सही है, लिखा ना यहाँ पे, देखो लिखा ना यहाँ पे लिखोगे, That is example found in, कहाँ पाए जाएंगे, पीटीओल डंठल में, ये डंठल पर, और तीसरा क्या है, That is sclerenchyma, parenchyma and colenchyma are लिविंग सेल्स, वाइल्ड स्क्लेरेंकाइमा क्या है, डेड सेल्स, डेड सेल्स भी रक्षा करती हैं, डेड सेल्स हैं, पेड़ में जो टिम्बर है उसके चारों तरफ क्या है, लकड़ी लकड़ी है, बार्क है, तो वो सब क्या 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 रक्षा नहीं करता उसकी, तो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स, ठीक है, तो क्या करेगा बोलो, अगर आप नारियल को ही देख लो, क्या नारियल की बाहरी खोल कितना अच्छे तरीके से उसके अंदर के मटीरियल को रक्षा करती है, सो दिस गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड कॉलेंकाइमा क्या है, ये सही कह रही है, आर लिविंग सेल्स, वाइल स्क्लेरेंकाइमा दीज आर डेड सेल्स, दीज तो ऐसे रक्षा करके नहीं कहेंगे, दीज गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, यह यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, दीज गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, अगर प्लांट ठीक तरीके से ग्रिप हो तो बड़ी से बड़ी आंधी भी प्लांट को नहीं तोड़ सकती, वो तो ग्रिप से उखड़ता है, तो इसलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट कौन देता है, स्क्लेरेंकाइमा, जैसे दीज आर फाउंड इन टिम्बर, बदलती ही नहीं, डेड सेल है, देखा है ना, ये कैसी है, डेड सेल्स, दीज आर फाउंड, बार्क को नहीं कहेंगे, या कॉर्क सेल को, मतलब जो वुडन पोर्शन है, अभी हम लोग इसमें आएंगे ना प्रोटेक्टिव में, तो एक कॉर्क हो जाएगी और एक एपिडर्मिस, बात समझ में आ गई, बार्क में देख लेता हूँ, अगर तो उसका मैं फिर से इसका देख लेता हूँ, अगर पार्क लिख रहा है क्या, देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, अभी मैं प्रोटेक्टिव की बात करूंगा, तो प्रोटेक्टिव में दो कौन से लिखूंगा बोलो, एपिडर्मिस और दूसरा क्या होगा, सॉर, तो इतनी बात ध्यान रखना कि जहां जहां मरी हुई सेल है वे सब स्क्लेरेंकाइमा, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, फिर से समझो, जो एपिडर्मिस है वही पेरेंकाइमा भी है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे पेरेंकाइमा हो गई, और जो कॉर्क है वो चूंकि डेड सेल है इसलिए यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, तो तीन तरीके की सेल है प्लांट में, कौन कौन सी है, किसी में भी, चाहे लीफ में हो या कहीं पर भी, लेकिन ये खुद भी तो किसी ना किसी की बनी होंगी, क्या पता वो पेरेंकाइमा की बनी हो, अगर वो सॉफ्ट होंगी तो पेरेंकाइमा की बनी होंगी कि नहीं, तो होंगी वो भी इन्हीं में से कुछ, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है, वो क्या काम करती हैं, अगर वो प्रोटेक्ट करेंगी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तीन तरीके के सेल है, और यही प्लांट में अलग अलग लोकेशन, कैम्बियम इनमें से किसी का बना होगा, तो पिथ किसी का बना होगा, होगा किसी ने, अब इसका तो नहीं बना होगा कैम्बियम, क्योंकि वो तो मेरिस्टमैटिक है,
लेकिन फिर भी जो सेल डिफरेंशिएशन जो कुछ ना कुछ काम कर रही और डिवाइड नहीं हो रही तो वो इन्हीं तीनों की होंगी। ओके चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे पास कोर, आप ये समझो दिस इज कोर, ये प्लांट जो बड़े बड़े ट्री से नहीं होता चिप आउट हो जाता है, तो अगर इस पर लाठी मारी जाए तो क्या होगा बताओ? कुछ नहीं होगा, कितना प्रोटेक्शन दे देंगे, एयर पूरी भरी हुई है कि नहीं? सो दीज आर कॉर्क सेल्स। तो अब हम देखेंगे वही ऐसे भी कॉर्क्स हो सकते हैं, ये देखो ऐसा भी होगा, इसको दबाओ, ये क्या होता है बॉटल से डॉट होते हैं, तो ये सब प्लांट के जो आउटर कवरिंग है, ये वही बात जो आपके पास आ रहा है उसी को शेप करके बनाया गया, अभी एक लकड़ी दिखाई है इससे बनी, ये वुड से, ये देखो वो तो बुरादे में गम डाल के बनाया गया, ये पॉलिश सर वो जलाने वाली चीज लग रही है, जलाने नहीं है, लकड़ी का बार्क है, ये जो बार्क होता है ना पेड़ का आउटर मोस्ट पोर्शन इतना हल्का होता है उसका ही बना, रॉबर्ट हुक ने जो देखा है वही है, आगे बढ़ा दो हम ले लेंगे, तो समझो इस चीज को सर, अभी आपको दिखाते हैं पूरी दुनिया में इसका सप्लायर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में इतने मोटे मोटे बार्क है, ऐसे काट लो अंदर जाइलम प्लांट बहुत अंदर इतना मोटा मोटा कॉर्क है, बात ही में ध्यानित तुम्ही को कंट्रोल करने में हमारा सारा मेहनत लग जाता है, ये जो ऑस्ट्रेलिया में इतना मोटा कॉर्क है, यहाँ पे तो पतला पतला चिप आउट होता है, लेकिन जो वहाँ के पेड़ है वहाँ की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है क्लाइमेट, तो पूरी दुनिया में जो बॉटल का डॉट है या विस्की की बोतल का डॉट उसका मेन सप्लायर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए तो कहां तक की बात हो गई, जरा ये देखो, इसका मतलब है ये हम लोगों ने इतना फ्लो चार्ट कर लिया, ओके वैसे तो देखें ये प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, एक एनिमल टिश्यू भी आएगा, तो टिश्यू का सब डिवीजन प्लांट टिश्यू है उसका हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी प्लांट टिश्यू में सर टिश्यू से होगा, सर इसका डिवीजन टिश्यू से होगा, टिश्यू से होगा तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, नहीं हो सर यही बनेंगे, देख लो यही तीन चीज लास्ट में वही बस, जब बस जो डेड हो गया जो प्लांट में डेड है वो भी प्लांट के काम का है, ये बहुत अच्छी बात है, बोले सर जो स्लेरन काइमा है वो भी क्या शुरू में पेरेंट काइमा या कॉलम काइमा था? तो हाँ वही डेड हो गया, लेकिन प्लांट में क्या है कोई एक्सक्रीशन सिस्टम पुअरली डेवलप है, तो लेकिन तब भी वो प्लांट की रक्षा करते हैं, आप दे दो ओके नाउ अब देखिए पहला तो फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट आपको बनाना है, और दूसरा ऐसा ही बना देना जैसे ये
टिश्यू को डिफाइन करो और एटम से इकोसिस्टम का फ्लो चार्ट बनाओ। और एक क्वेश्चन करना है, एक डायग्राम में डिफरेंट मेरिस्टमैटिक टिश्यू दिखाना। सर वो कौन सा डायग्राम है? बुक में देखो, ये वाले? ये नहीं, एक पेज पहले। हाँ, डंडा बनाना। कौन सा डंडा बनाना है? These are large, differentiated, and differentiated का मतलब है different shapes. इनके अलग अलग shapes हैं, अभी मैं बताऊंगा। कॉलन काइमा अलग दिखता है, पैरेन्काइमा अलग दिखता है और स्क्लेरेन्काइमा अलग। तो इसमें सबके अलग अलग शेप है और अलग अलग साइज भी है, वो भी देखेंगे। डिफरेंशिएटेड का मतलब है डिफरेंट शेप्स भी है एंड डिफरेंट शेप्स एंड साइज। फंक्शन की बात नहीं की है, अभी शेप की बात। क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल खत्म है, ही नहीं। अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल पास पास है, तो इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट है। जबकि सेकंड इसमें क्या बोलो, इंटरसेलुलर स्पेस क्या प्रेजेंट है। तो आप समझ गए हो मैं किस स्पेस की बात कर रहा हूँ। स्पेस सेल के बीच के स्पेस ही होता है ना, तो दैट इज। अभी सेल वॉल बता देना, इंटर सेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। मैं दिखा रहा हूँ सेल वॉल, इंटर सेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। इतनी जल्दी जल्दी डिवाइड करना, फ्लेक्सिबल है तो जगह भर देते हैं, हार्ड हो जाएगा तो जगह नहीं भर पाएंगे। इंटर सेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, अक्सर प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि स्क्लेरेन्काइमा में ये एब्सेंट हो जाता है। तो पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा में तो है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा में ये एब्सेंट हो जाएगा। तो ऑफन प्रेजेंट, सभी में प्रेजेंट नहीं है लेकिन ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। ऑन कर दीजिए। इंटर सेलुलर, ये इंटर सेलुलर स्पेस कैसा होगा? जैसे बोलो इंटर सेलुलर स्पेस लिटिल बिट मोर ऑफन प्रेजेंट, अक्सर प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा में प्रेजेंट है, लिंक स्क्लेरेन्काइमा में खत्म हो जाते हैं। डेड सेल्स में नहीं होंगे, अभी शेप बताएंगे सबका अलग अलग। अब जरा देखो, नाउ सेल वॉल बहुत पतली होगी, थिन होगी। सेल वॉल इज थिन, ऐसा होगा कि जैसे डिफरेंट सेल्स हैं तो डिफरेंट सेल्स के बीच में जो लैमेला होती है इसको मिडिल लैमेला कहते हैं। तो अब वही चीज है कि सेल वॉल है तो सेल वॉल के बीच में भी कहीं स्पेस हो जाए तो वही तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा। ये लैमेला है, सेल वॉल है ना, तो इसकी बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन ये बहुत थीन है, सेल वॉल भी कैसी होगी, इसी में मानी जा सकती है कि एक सेल वॉल है। वो भी फ्लेक्सीबल है, जब सेल फ्लेक्सीबल है तो सेल वॉल भी कहाँ थी, वो सेलुलोज की होती है। देखो सेल वॉल इस थिन और इसमें क्या होगा,
सेल वॉल इज थिक। ये मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं। आप मेटाबॉलिक एक्टिव हो, सुबह शाम जाओगे घर में आपको भूख ही लगी रहेगी, लेकिन आपके दादाजी को भूख नहीं लगेगी क्योंकि उनकी बॉडी में जो एक बार खा लिया तो शाम तक खाना वही पछता रहेगा। मेटाबॉलिक का मतलब है जो बॉडी में जितने भी तरीके के रिएक्शंस होते हैं, प्रोटीन का बनना बिगड़ना, कार्बोहाइड्रेट का बनना टूटना, जो भी रिएक्शंस हैं, डाइजेशन रिएक्शन, ग्रोथ रिएक्शन, एक्सक्रीशन रिएक्शन, हर चीज़ जो बच्चों में वो बड़ी तेजी से होती है, इसको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो दीज आर मेटाबॉलिकली, इन दोनों में सृष्टि मेटाबॉलिकली एक्टिव कौन है बोलो? बच्चे से क्या लेना देना? तो कुछ एज से क्या लेना अच्छा जा रहा है वो बताओ। तुम तो बता रही बच्चे बूढ़े और जवान पहने यंग इंडिया बहियान एडवर्टाइजमेंट बताने लग गए। नाउ दीज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। आपसे पूछा गया बोलिए कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू। अब हम इसमें बच्चे किसको माने? दीज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। और इसमें क्या लिखे सृष्टि, इसका तो बताओ। दीज आर मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव। थोड़ा बहुत तो काम करेंगे ही। सही है, कुछ भी लिख दीजिए सब चलेगा। अभी तो आप कुछ भी लिख दीजिए, कल 15 अगस्त है, कुछ भी लिखो। नाउ इसमें क्या होता है? दीज आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लेंथ वाइज एंड गर्थ वाइज। दीज आर इन्वॉल्व इन अदर फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। इनका काम क्या होता है? Either giving mechanical strength, filling of cell, water transport, food transport, ये सब भी तो काम है प्लांट पे कि बढ़ना ही काम है, है? आपका काम है घर में बढ़ना और पापा का काम है कमाना और मम्मी का काम है सबको खिलाना, तो और भी तो काम है ना। These are involved in growth of plant lengthwise and girthwise. These are involved in other functions of plant, जैसे सही आपने बताया था of plants as water transport, protection of plant, protection भी तो चाहिए। protection कौन करता होगा हर्षिता? सही है, protection of plant, या इसके अलावा water transport, food transport, और बताओ यूं फूड ट्रांसपोर्ट भी होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फिलिंग ऑफ प्लांट, इलास्टिसिटी। बिल्कुल, अब ये देखो ग्रोथ ऑफ प्लांट दैट इज लेंथ वाइज एंड गर्थ वाइज। हाँ जस्टिन, दीज आर लिविंग, इसके कंट्रास्ट का जरा पॉइंट बोलो। दीज आर लिविंग, दीज आर नॉट लिविंग। तुम बहुत तेज हो, आप बहुत तेज है, इतना स्किलफुली आंसर दिया है, बोलो। हाँ दीदा बताइए,
अच्छा बता दिया, उसने पूरा बता दिया, पूरा क्लियर कर दिया कि सर पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग है और स्क्लेरेन्काइमा डेड है। हो सकता है पढ़ लिया हो, अभी पीछे बोर्ड पे लिखा था, दिमाग का दिमाग तेज है ना इसका। चलो, दैट इज दीज आर आइदर लिविंग और डेड। सारा साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस लार्ज होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, यानी ये न्यूक्लियस है और पूरा बाकी भरा हुआ ये साइटोप्लाज्म। तो इसमें वैक्यूल्स नहीं होंगे, ये भी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, इसमें वैक्यूल्स की भी जरूरत ही नहीं है, नियरली एब्सेंट। तो डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। और तीसरी चीज क्या है? वैक्यूल्स एब्सेंट, नो वैक्यूल्स। अब जरा देखिए, नाउ इसका देखिए, ओके इसमें बताओ शानवी, अब इसके तुम इसका काउंटर पॉइंट बता दे जाओ। इसमें क्या होगा? लेस डेंसर साइटोप्लाज्म, कम साइटोप्लाज्म। जरा चेक करो ऐसा कि इसी में मान लीजिए कि कभी ये सेल वॉल है और सेल वॉल के बाद यहाँ पर एक वैक्यूल हो जाएगा, एक न्यूक्लियस हो जाएगा, बाकी साइटोप्लाज्म, तो उसमें ज्यादा है कि इसमें? ये तो वैक्यूल है ना, और ये न्यूक्लियस है। बोलो क्या कह रही हो, बता। और ये उसको दिखाएंगे, सेल ऑर्गेनेल की हमें अभी बात नहीं करनी, उस समय ये देखो आप लोगों ने देखा था ना जब सेल का चैप्टर पढ़ा, है ना? ओके, दिखा दें विरोम को, आप लोगों ने देखा था सेल का चैप्टर, ओके। इतनी बात हो गई, तो हम लोगों ने देख लिया कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस देख लिया। सर ये पॉइंट भी तो होगा कि वो रैपिडली अपने आप को डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइड हो गया है, मतलब ये डिफरेंशिएटेड में आ गया है ना, ऐसा लिखा नहीं हमने क्या? They do rapid division, they do not divide, ये लिखना चाहिए, अच्छा पॉइंट है, ये तो बेसिक पॉइंट। से दीज लेस डेंसर साइटोप्लाज्म में स्मॉल न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस एंड लार्ज वैक्यूल्स, प्रोमिनेंट वैक्यूल है, ये तो प्लांट सेल में होंगे। इफ दे डू रैपिड डिवीजन, ठीक है, एंड दिस डू नॉट डिवाइड, मेरिस्टमैटिक टिश्यू बड़े होने पे परमानेंट बन जाते हैं, लेकिन परमानेंट तो वापस निकल सकते हैं, फिर वो उसी में अपने में बनते रहे जो बनना है। अब हम लोग देखेंगे पहले कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे,
फिर तीनों में डिफरेंस क्रिएट है, ठीक है। परमानेंट काम के काम के हिसाब से तीन तरीके के हैं, तीन तरीके के हैं। अगर मान लीजिए आपको बताया कि जो सिंपल परमानेंट है, सिंपल परमानेंट है, सिंपल परमानेंट में भी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा है, इवन कॉम्प्लेक्स में भी कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा चलेगा। तो ये तीन तरीके के परमानेंट है, फिर काम क्या क्या करते हैं वो देखें। तो एक हमने बताया ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पैरेन्काइमा पर, अब उसके बारे में देखें। चलिए इसको हटा दें। नाउ देखिए जो परमानेंट टिश्यू है वो दो तरीके के हैं। सिंपल परमानेंट निष्का कौन से होते हैं, जो सिर्फ एक तरीके के सेल के बने हों, उन्हें क्या कहते हैं, मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल, ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स। और कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, मेड ऑफ मैनी काइंड ऑफ सेल्स। जैसे मैं ये तुमको बताऊं ये जाइलम टिश्यू है, क्या पानी ऊपर नीचे ले जाता होगा, तो जाइलम अकेला नहीं होगा, इसके चारों तरफ ऐसे जाइलम पैरेन्काइमा भी होंगे, वो सब मिलके पानी पहुंचाएंगे। इसके बगल में फाइबर भी होगा और इसके बगल में ट्रैकीड भी होगा, समझ में आया, ये ट्रैकीड है। तो इससे क्या पता चलता है, ये ट्रैकीड है और ये फाइबर, ये सब मिलके जाइलम टिश्यू है। इसमें चार तरीके के सेल हैं, तो फिर इसे कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, नाम है जाइलम टिश्यू और सेल है चार तरह की। These are having different kinds of cells, और ये one kind of. अब आपकी बात आती है दीदी, आपने बताया ये जो basis दिया गया है, तो वैसे तो हमने कहा कि supportive है, ठीक है? और supportive और दूसरे कौन सा है? दूसरा शामिल बताओ। Protective. अब मैं supportive की बात कर रहा हूँ। आप नोट कर रही ना शानी? चलो सपोर्टिव सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू। देखो एक वर्ड यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, फिर एक यहां से उठाया, सपोर्टिव सिंपल परमानेंट प्लांट, सपोर्टिव भी लिख सकते सिंपल। तो सपोर्टिव प्लांट सिंपल, दीज आर, ये क्या होता है, दीज आर सपोर्टिंग प्लांट। Either by filling, मेरा कहने का मतलब है जब तुम्हारे अमेजन के बंडल में कुछ सामान आता है तो चारों तरफ क्यों भर देता है, थर्माकोल फिल क्यों कर देता है, क्या उससे भी जो गत्ता है या कार्टून है उसको मजबूती मिलती है क्या? और नहीं तो अगर फिल ना किया जाए तो कहो वही अभी ट्रक में एक के ऊपर एक रखा जाए सब पिचक जाए तुम्हारा सामान। तो अंदर फिलिंग बहुत जरूरी है, कभी कभी बॉल्स भर दी जाती हैं थर्माकोल की, ठीक है कि नहीं, उससे क्या होता है स्टायरोफॉर्म की बॉल भर दी जाती हैं, उससे उसको फिलिंग बहुत जरूरी है। अगर फिल ना हो तुम्हारे अंदर ये हार्ट और ठपटक ठपटक इधर उधर भागे और तुम्हें आवाज़ आए कितना अच्छा लगा, देखो वो अच्छा नहीं है। इट इज़ टू बी फिल्ड बाई फ्लैश, अगर बॉडी में अलग अलग ऑर्गन के बीच फ्लैश और फैट ना हो, फैट भी कुछ नहीं इफेक्ट देता, तो उससे भी तो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं। तो ऐसे प्लांट को भी फिलिंग करना भी सपोर्ट है, तो फिल दैट इज सपोर्ट बाय फिलिंग, सपोर्ट बाय इलास्टिसिटी, सपोर्ट बाय रिजिडिटी, तीनों अलग अलग काम, सपोर्ट बाय फिलिंग,
सपोर्ट बाय इलास्टिसिटी, सपोर्ट बाय रिजिडिटी, सही है? तो दे आर सपोर्ट आइदर बाय फिलिंग आइदर बाय इलास्टिसिटी, जैसा कि अभी अभ्योम ने क्या बोला था, इलास्टिसिटी को फ्लेक्सिबिलिटी बोला था, तो फ्लेक्सिबिलिटी और बाय रिजिडिटी। सिंपल, ये जो सपोर्टिव आने हैं आहाना, ये कितने तरीके के हैं? ये तुमने अच्छी कही, एक ही तरीके से बोल रहे सर, दैट इज इट्स टाइप्स आर पैरेन्काइमा, दैट इज पैरा और प्लस एन्काइमा, यानी बिसाइड। इनका दूसरा काम क्या है? फिलिंग का काम। सो दे फिल, एन्काइमा का क्या मतलब होता है? फिलिंग। सो दे फिल द, ओके। किसी भी प्लांट में सबसे ज्यादा मात्रा में यही होता है, दीज आर फाउंड इन बल्क ऑफ प्लांट बॉडी, चाहे कुछ भी हो, सब पत्तियों में यही है, पैरेन्काइमा, इसी तरीके से जो बीच का है एपिडर्मिस, ये सब एंडोडर्मिस सब इसी। सर, जो मैंगो का सीड प्रोडक्टिव लेयर होती है वो क्या होगा? सीड की जो हार्ड कोट है वो उसको पैरेन्काइमा, और उसके अंदर का जो सीड है सर वो उतना हार्ड नहीं है, वो पैरेन्काइमा, बस सिर्फ तुम सॉफ्टनेस से ही पता लगा, जो पिटियोल की कैटेगरी में आ जाएगा ना, डंठल सब पर। सो दीज आर, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी ऑफ प्लांट बॉडी, ओके। अब आगे देखो, जब शुरू शुरू में कोई एक लौकी है या कद्दू है, जब बड़ा होता है तो शुरू शुरू में तो वो क्या होगा, मेरिस्टमैटिक होगा, फड़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर एक साइज से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, फिर सड़ने लगेगा, कुछ दिन वैसा रहेगा कि कोई तोड़ ले या कुछ कर ले, फिर उसके बाद तो वो फिर वही मेरिस्टमैटिक पैरेन्काइमा हो जाता है। समझ आया? जब वो अपनी फुल साइज में पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा पैरेन्काइमा। ये कैसे होते हैं, इनका आकार बनाओ, दीज आर आइसोडायमेट्रिक। ये डायग्राम बहुत बार केस स्टडी में आया है, आप लोग बना दें, दीज आर आइसोडायमेट्रिक, ऐसा बनाइए। चलिए, क्या इनमें आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है? और एक चीज और देखो, इसी में ये दिखाया गया है कि ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है जिसमें राइबोसोम तैर रहे हैं। हाँ बताओ, ये बताइए निखिल, ये क्या है? करेक्ट, ये निखिल जानता है, दिस इज वैक्यूल, हर चीज देखो निखिल ने प्रॉपरली बताई। और इसमें थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म है, क्या थोड़ा सा साइटोप्लाज्म उसमें न्यूक्लियस, तो मुख्य हिस्सा इसका क्या है? That is vacuole, खाली जगह ना, स्टोरेज का काम है। और यही अगर बड़ा हो जाए, इसमें एयर भरी हो तो इसे एरेन्काइमा भी कहेंगे। देख लो, अगर इसमें एयर भरी हो तो एरेन्काइमा, और अगर इसमें क्लोरोफिल ज्यादा हो आना, ये हर चीज कितना अच्छा होता है, क्लोरेन्काइमा ना सर। सर तो वो पता कैसे लगेगा कि उसके अंदर वेस्ट है या एयर है? पता कैसे लगेगा? क्या करना है? साइंटिफिक रीजंस के लिए, फालतूगिरी के लिए। सर, इसके अंदर एयर है या फिर डस्ट मटेरियल है, वो पता कैसे लगेगा? जैसे कुछ ऐसे होते हैं प्लांट्स जो पानी में तैरते रहते हैं, तो इफ देयर इज ए वैक्यूल कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, देन इट्स सपोर्ट्स द प्लांट। कुछ ऐसे नहीं होते जैसे कमल पत्र है ये पानी में तैर रहे हैं, तो वो एरेन्काइमा, अगर नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, रॉटन हो जाएंगे, तो उससे बचाने के लिए वो पानी में तैर, और उनमें थिक वैक्सी क्यूटिकल भी रहता, वाटर उनको गीला नहीं कर पाता। तो अगर पैरेन्काइमा में एयर ज्यादा है, देयर वैक्यूल्स आर फिल्ड विद एयर, तो उसे क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। और कहाँ पे तुमने बताया था कि ये क्लोरोफिल ज्यादा, किसमें ज्यादा,
कहाँ पे ज्यादा वैक्यूम में? हाँ बताओ कहाँ पे क्लोरोफिल ज्यादा बता? प्लास्टिड्स में। और प्लास्टिड्स कहाँ होंगे? सर में कहाँ पे होंगे? साइकिल। इसी में है, इसी में प्लास्टिड्स है। जब कोई बहुत देर से बोले कि सर सेल ऑर्गेनेल नहीं बता बना रहे, बना दो सेल ऑर्गेनेल, वास्तव में साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। तो इसी साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड होगा। अब प्लास्टिड में अगर बहुत सारे क्या होंगे बताइए? क्लोरोप्लास्ट। और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा, तो वो ग्रीनर पार्ट में होगा और वो क्या कराएगा उसको? उस पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहेंगे। बताओ सारा आना फिर से, कहाँ पे क्या होगा बोलो? कहाँ पे होगा प्लास्टिक? कहाँ पे? सेल में। कहाँ पे? सब सेल का ही तो खेल है। ठीक है, तो टेक लगा के बैठो, टेक से आधा दिमागी काम करता है। चलो बहुत अच्छी बात कही सर। अब जरा देखो, दीज आर आइसोडायमेट्रिक। क्या सबका एक जैसा ही डायमीटर है? अब इनका शेप क्या सेल वो? अब सारी बात बताएंगे। गैलेक्सी क्यूटिकल्स की वजह से वो हाइड्रोफोबिक बन सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा बता दें फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। सो दीज आर, पहली बात है मेन पार्ट है फिलिंग पार्ट, आइसो डायमेट्रिक। इसका मतलब है फुली एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, कहीं से पिचके नहीं होते। दीज आर इन्फ्लेटेड फ्रॉम ऑल साइड्स। आइसोडायमेट्रिक का मतलब ये नहीं कि यहाँ डायमीटर ठीक है, यहाँ पिचक गया। नो, इसका मतलब है कंप्लीटली सॉलिड अप फ्रॉम ऑल साइड्स। ओके, सबका चारों तरफ से कहीं से भी देखो, जैसे फुटबॉल आइसोडायमेट्रिक होती है तो आइसोडायमेट्रिक हो गए। इसके अलावा क्या होगा? नाउ आइसोडायमेट्रिक के अलावा भी अगर इसको दिखने में ऐसा लगेगा, मैं अगर पैरेन्काइमा को कट करूं तो इस तरीके से लगेंगे जैसे बुक में देखो, लेकिन इसको अगर ऐसा ऐसा सेल है, और जो मैंने तुमको यहाँ कट करके दिखाया है निष्का, वो बताओ लेटरल सेक्शन है कि ट्रांसवर्सल? बहुत अच्छा होता है, बोले सर लेटरल कहो चाहे ट्रांसवर्सल, एक ही बात। ये हर चीज में बहुत स्किल्ड पाई जाती है, बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं सर आपने लॉन्जिट्यूडनल बोला होता तो मैं बताती। लॉन्जिट्यूडनल लेंथ वाइज है, ऐसे काटने का मतलब लेटरल कहो या ट्रांसवर्सल। कल ही पढ़ रही थी देखो, आज कितना अच्छा बता दिया। तो अगर ऐसे कट कर दिया जाए नाइफ से तो वो लेटरल सेक्शन। ये है ऐसा, तो ऐसे कट करोगे तो ऐसा दिखेगा, ओवल है ना ये कैसे शेप है? ओवल। और अगर मैं ऐसा कट करूं वो फिगर यहां दिखाऊं तो दिस इज, ये कैसा सेक्शन है बताओ? लेटरल और ट्रांसवर्सल, क्षैतिज काट, अब ऊर्ध्वाधर काट। किसी में पुरानी बुक को तो देखो, उसके ओल्ड बुक है उनके में अन्याय में हटा दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको इस बुक से दिखा देता हूँ ऐसा हो। ऐसा किसी में डायग्राम है तो मैं बना देता हूँ, ओल्ड बुक है। चलो देखो इनके में पाया गया। अब देखो लेंथ वाइज कट करो, ये देखिए दिस इज ओके। नाउ इनमें ये तो डिफरेंट सेल हो गई, यही सेल है, ऐसे कट करेंगे ये सब ऐसे लगी होंगी, तो इनको कट करने पे कैसा लगेगा ये चीज तो आएगी। अब इसी में साइटोप्लाज्म भी बना लीजिए,
कि इसमें न्यूक्लियस होगा, बीच में वैक्यूल होगा, ये सब अलग अलग, चाहे क्लोरोप्लास्ट होंगे कुछ भी होगा, ऐसा सब में होगा। ये साइटोप्लाज्म है, अभी न्यूक्लियस बना रहे काटने से शेप नहीं बनता। कोई चीज ऐसे है जैसे हैंडबॉल का, तो हम ऐसे काटेंगे तो ये गोल है, हम ऐसे गाजर को काट दें तो ऐसी सलाद बन जाएगी। काटने से जो है वो है, उसका असली शेप ओवल है, इट इज विस्टेड। और जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गोल होते हैं, वो फुटबॉल स्फेरिकल होते हैं, वो स्फेरिकल है, ये ओवल है। तो जो असली शेप है उसके आधार पर आप देखोगी ना, तो काटने से लॉन्जिट्यूडन, ये लेंथ वाइज को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ये, तो ये हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, अभी बताया था हमने लेंथ वाइज क्या बोलेंगे बताइए, ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखो, और इसको क्या कहा था, लेटरल और ट्रांसवर्सल सेक्शन। अच्छा, अब इसी में अभी देखो न्यूक्लियस भी बना दिया, सब में न्यूक्लियस है, और इसकी लेबलिंग करो, अभी बता रहे हैं। देखो इसमें इंटर सेलुलर स्पेस लिखा क्या है, देखो इंटर सेलुलर स्पेस इसमें देखिए, तो जो एक बात और ध्यान दो, ये डिफरेंट सेल्स हैं, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कई बार जो ये सेल वॉल होती है ना, ये कॉमन होती है, दिख रही बीच में चिपकी रहेगी, ऐसा कई बार होता है। तुम्हारे घर और पड़ोसी की दीवार कॉमन भी तो हो सकती है, घर की एक ही दीवार हो उसी में तुम्हारा घर इधर, उसको कहते हैं मिडिल लैमेला, क्या कहेंगे, मिडिल लैमेला, भाई एक ही सेल वॉल है, वो उसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो उसको क्या कहेंगे, मिडिल लैमेला। ओके, अब इनमें ये क्या चीज है, पलक देर लगा रही, बता श्रेया बताओ, ये क्या है, हाँ तुम सही बता रहे हो, ये वैक्यूल सही है। अच्छा अब जरा देखिए, इसी में यहीं पर देख लो, ये जो है ये इसका इंटरसेलुलर स्पेस होगा, अगर यहाँ पर कहीं पर स्पेस है तो मिल जाए ना, ये जहाँ पर इन दो सेल के बीच में भी ये लैमेला चलेगी, ध्यान दो जरा, मान्य मैंने कैसे दिखाया बताओ, यही सेल वाल यहाँ आएगी तो ऐसे चलेगी ना, ये दो अलग अलग प्लांट्स हैं, तो दो अलग अलग सेल है, तो ये बीच में इसकी सेल वाल इधर आ गई, इसकी सेल वाल यहाँ की जगह बच गई, वही इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब दो सेल के बीच में सेल वॉल कॉमन है, इसका नाम लिख दिया ना, मिडिल लैमेला या सेल वॉल भी कह सकते हो, कॉमन सेल वॉल, इसका क्या नाम है, कॉमन सेल। अच्छा कॉमन सेल वॉल हो गई, तो ये कौन सी जगह, ये बताओ हर्षिता, इसे कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। इसी में जो डॉट डॉट पोर्शन है उनको अभी पलक ने क्या कहा था, क्लोरो लास्ट। अब आगे की बात करते हैं कि पैरेन्काइमा के बारे में वो सब चीज लिख लेंगे जो व्योम ने अभी बताई है, ये तो फिर छूट जाएगा कुछ, ये पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, कल कैसे करेंगे ना। सो दीज आर आइसोडायमेट्रिक एंड ओवर इन शेप, कैसा है, यानी ओवर आइसोडायमेट्रिक का मतलब है इनफ्लेटेड फ्रॉम ऑल साइड्स, कहीं पिचके नहीं, एंड ओवल, ओवल यानी अंडाकार इन शेप। ओके आगे देखिए, लार्ज
लार्ज स्पेस इज फाउंड बिटवीन सेल्स वैसे इससे मोटी है लेकिन अभी और जाओगी तो और मोटी होगी। नारियल की कितनी मोटी सेल वॉल टूट पाएगा क्या उसका कवर? उसकी बहुत मोटी हो जाएगी बल्कि उसमें लिग्निन डिपॉजिट हो जाएगा और जब इधर जाएंगे इसमें कॉलेनकाइमा में तो सेलुलोज डिपॉजिट हो जाएगा तो वो एक्स्ट्रा सेलुलोज डिपॉजिट। लेकिन ये थिन है, इसमें कोई चीज डिपॉजिट नहीं है। समझ में आई बात की नहीं? तो सेल वॉल इज कंपैरेटिवली थिन। किसके कंपैरिजन में थिन है? कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इस थिन सर किस चीज के लिए लिखा रहे हैं आप ये वाला एंड ओवर इंच? पल्प का कोई शेप नहीं होगा, पल्प में बहुत सारी सेल्स होंगी और वही पैरेन्काइमा होगी। तो इनका काम क्या है? वो सब सेल्स है, सबके सेल वॉल। अगर सेल वॉल ना हो तो बिखर जाए, हर एक में सेल वॉल है वो अपने अपने जगह पर है एंड वो उनका कॉमन मिडिल लेमेला है तभी तो वो शेप में है। प्लांट में हर एक चीज़ क्या है? ये डिफरेंट सेल्स हैं, ये यही तो सेल वॉल है। सब चीज़ अपने अपने सेल है, उनमें सेल वॉल उसको बांधे हुए हैं और दीज आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर स्टोरिंग फूड। तो पैरेन्काइमा क्या करते हैं, चाहे पल्प हो चाहे लीफ हो, लीफ भी तो फूड है, गाय लोग खाती हैं। तो अगर ना हो पैरेन्काइमा तो कौन खाएगा? तो ये किसके लिए बताइए? फॉर स्टोरिंग फूड। पैरेन्काइमा किसके लिए है? स्टोरेज ऑफ फूड। तो पैरेन्काइमा स्टोर फूड। किसके फॉर्म में? शुरू में ग्लूकोज और जैसे पोटैटो या इन सब में तो स्टार्च, ठीक है। फ्रूट्स में ग्लूकोज है, वो फ्रेश है बिल्कुल, तुरंत खाओ तुरंत दौड़ो। आलू खाओ 4.5 घंटे में दौड़ो क्योंकि स्टार्च तुरंत नहीं डाइजेस्ट होता है, उसके लिए टाइम लगता है। शुगर 1/2 घंटे में, ग्लूकोज तुरंत, ठीक है। ग्लूकोन डी ये जान में जान डाल दे पीते, और चीनी ये जान में जान डालते 1/2 घंटे बाद, आलू 4.5 घंटे ऐसा होता है। दैट इज ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च, उसका कंडेंस फॉर्म। समझ में आई बात? इफ एयर इज फाउंड इन पैरेन्काइमा इट हेल्प्स इन ब्योंसी, पानी में तैरने में मदद करेगा और फिर इसको पैरेन्काइमा कहेंगे। बुक में लिखी है लैंग्वेज, पढ़ लो। किसमें चेक करना पड़ेगा मुझे एक बार, तो होता ही होगा। डेड बॉडी में भी तो होगा, तो लिखे इस चीज को। इन एक्वेटिक, देखो इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटी, एयर कैविटी होगी या एयर वैक्यूल इस फाउंड। आइसोडायमेट्री का मतलब है चारों तरफ से एक जैसे फूले हुए फाउंड, ठीक है। विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग, क्या लिखोगी अर्चिता? फ्लोटिंग द ब्योंसी। ब्योंसी यानी उत्प्लावन में सहायक है। Now, if ब्योंसी का मतलब something which pushes is upward, जैसे तुम एक बैलून भरा हुआ डालो पानी में और अंदर डालते हो, ये बॉटल ही डालो खाली बोतल बंद करके, तो क्या ऊपर की ओर धक्का देगी? तो पानी में डालने पर उसमें जो एयर है, एयर पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उसको बियॉन्ड फोर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को ब्योंसी कहते हैं। पानी में तुम जाओ स्विमिंग पूल में, हल्का हल्का लगता है कि नहीं? चलो, दैट मीन्स इफ पैरेन्काइमा परफॉर्म फोटोसिंथेसिस दे कंटेन क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोप्लास्ट में। इफ पैरेन्काइमा यानी कोई पेडी स्ट्रक्चर है पत्तियों में और लेकिन वो हरा भी है, तो क्या उसमें क्लोरोफिल होगा?
क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होगा, जैसा कि इन्होंने बता दिया कि प्लास्टिक दो तरीके के हैं, कौन से? एक तो क्रोम जो कलरफुल है, क्रोमोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, और अगर कलरलेस है तो ल्यूकोप्लास्ट, इसी में अगर ग्रीन कलर के हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, ज़ेंथोप्लास्ट, ज़ेंथोप्लास्ट, इसके और भी नाम है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। सो पेरियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट और ज़ेंथोप्लास्ट सभी हैं। इफ पैरेन्काइमा परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये अच्छा बताती है। हाँ क्या बताया था तुमने, तब उसे क्या कहेंगे? Then it is called Florenchyma. As it contains chlorophyll, इसलिए इसको Florenchyma कहते हैं। लार्ज एयर कैविटी, एयर की कैविटी होती है, हवा भरी होती है,